सर ऑफिस का आज इनॉग्रेशन हुआ है, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पे काफी लोग सपोर्ट के लिए आपके आपके पास आए हैं? अभी इलेक्शन चल रहा है तो जहाँ से इलेक्शन लड़ा जाना है, इलेक्शन ऑफिस एक जरूरी जगह होती है जहाँ से सब रोज इकट्ठा हुआ करेंगे, मैसेज जाया करेंगे, इलेक्शन मटेरियल होता है, तो ये एक वाजिब सी और जरूरी सेरेमनी होती है जिसमें सभी दोबारा इकट्ठा होते हैं और चलते हैं, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस है, थोड़ा सा जाप्ता भी रखना पड़ता है, पर फिर भी जब सारे वर्कर इकट्ठा होते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोटोकॉल भी भंग होते हैं। कोशिश कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसके तहत भी हम ये कंपेन करें, जैसे 5 साल काम किया है सरकार के बीच रह के, जो सरकार के फैसले लोकहित में रहे हैं उन सब के ऊपर हम कैपिटलाइज करते हुए लोगों के बीच में जाएंगे। यहाँ पे 5 साल जो कंस्टिट्यूएंसी में जैसी लोगों की सेवा करने की कोशिश की है सारी टीम द्वारा, मेरे काउंसलर्स और सारी जो हमारी टीम रही है, उन सब चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से दोबारा मांग करें कि हमें 5 साल और मौका दिया जाए ताकि जो अधूरे काम हमारे बचे हैं जो आप हरियाणा वालों की सोच के मुताबिक उन सबको पूरा करने का मौका मिले। विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके विरोधी हैं अलग अलग पार्टियों से? सारे सम्मानीय हैं, वो भी अपनी किसी सोच के साथ आए हुए हैं इलेक्शन में, ये तो लोगों को डिसाइड करना है उन्होंने किसको चुनना है, लोगों के ऊपर है, उनकी विजडम के ऊपर। सर आपके ऊपर, आप बड़े प्यार से उनको बोलते हैं, वो सम्मानीय है, लेकिन वो आपके ऊपर बराबर हमला करते रहते हैं किसी ना किसी बातों को लेकर के, इसको किस तरीके से? अपना अपना ढंग है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी परवरिश है। क्या कहना चाहेंगे जो आपके हल्के के लोग हैं आज खास दिन आपके लिए? मेरे लिए तो हर दिन शुभ रहता है, हर दिन नया दिन रहता है, लोगों के लिए एक अपील है, अगर मैं 5 साल कुछ कर सका हूँ उम्मीदों के मुताबिक।